गर्भा करता है, झगड़ा फसाद करता है, तो मैं अपनी माओ और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप डरे ना, भाग खौफ ना खाए, किसी की मां ने नहीं कहा है। और उनके नजरिए को लेकर चलने वाले जनता दल के मुख्यमंत्री मरहूम कुलदीप देवपाल साहब भी आज हमारे दरमियान नहीं रहे। जवानी की मौत बहुत तकलीफ दी होती है। किसी ने कहा है, मौत एक मुस्तकिल हयात सही, मौत एक मुस्तकिल हयात सही, फिर भी अच्छी नहीं जवानी है। किसी के जवान बेटे का, जवान भाई का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए कितने दुख और सदमे की बात होती है, ये बात हमने का हर शख्स समझ सकता है। मैं उस मौके पर जब मैं आपसे अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि आज अगर हमारे दरमियान मरहूम बुलंद इकबाल होते तो वो मेरे लिए किस दर्जे की जद्दोजहद और कोशिश करते, मुझे पता है। उनकी ये चाहत थी और आरजू थी कि मालेगांव में गुंडा नुमाइंदा चुन करके आए और मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट के साथ वो मेरे साथ काम कर रहे थे। जनता दल सेकुलर के जितने भी वर्कर हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि हमें अपने कायदे इंकलाब अपनी मंशा है। मैं इस मौके पर, वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि मौजूदा हालात में मुल्क के हालात को देख करके हमें अपनी जान, अपने ईमान और अपनी आने वाली नस्लों और अपनी सनत के हिफाजत और बका के लिए लड़ना है, जद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। और ये वो मौका है कि हमें सही फैसला करना है, वरना किसी शायर ने कहा है कि तारीख की आंखों ने ये जुल्म भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मालेगांव के लिए इत्तेहादी मुस्लिमीन के उम्मीदवार को चुन करने देना है। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपने अगर मुझे खिदमत का मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से मालेगांव का चेहरा मोहरा बदलने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बड़े लोगों के सामने जो 25 साल से इख्तदार में रहे हैं और 25 साल से कारपोरेशन का खजाना लूटते रहे हैं, उनके मुकाबले में हमारी क्या माली हैसियत है आप अंदाजा कर सकते। हमने कभी ठेकेदारी नहीं की, कभी शराब का अड्डा चला करके कमाई नहीं की, कभी जुए सट्टे का अड्डा चला करके पैसा नहीं कमाया, मेहनत का पैसा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन साथियों का जिन्होंने बिना मुआवजा अपनी हिमायत देने का ऐलान किया। ऐसे हालात में जबकि एक एक पैसा जोड़ना और इलेक्शन पैसे के बलबूते पर लड़ना मुझ जैसे शख्स की बात नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं तमाम तंजीमों का जिन्होंने गुलाम मुआवजा इस मौके पर मेरा साथ देने का फैसला किया है। मैं अपने औदरों से, अपने सरपरस्तों से, अपनी माओ और बहनों से और अपने नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मांगी है, जिन्होंने रोजे रखे हैं, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं और जिनकी
यही चाहत और आरजू है कि मैं चुन करके आऊं। मैं तो आपको आपकी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दे सकता, कोई बदला नहीं दे सकता, लेकिन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहां में इस तहवुन का बेहतरीन बदला अता करना। दुआ कर ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदि आदम अहमदी हमारे साथियों को हिम्मत और हौसला अता फरमा, इनकी जान माल दीन और ईमान इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे हमारी नस्लों के लिए खैर मुकद्दर फरमा। हमारी दुआ को अपने फजल करम से अपने हबीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हुक्म में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अजान होने के बाद जो है ना रहमान का थोड़ा अपील करेंगे आपसे।